हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल अपन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर गेट एसी एंड पीएसयू। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स। एज यू नो एवरीबॉडी, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने पाइप्स एंड सिस्टम्स का बढ़िया बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझा है ना, कॉन्सेप्ट समझा और उसके साथ साथ हमने पाइप्स एंड सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए है ना। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स है ना। और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले पाइप्स एंड सिस्टम्स, ताकि पाइप्स एंड सिस्टम्स में हमारी बहुत अच्छी कमांड आ जाए। और आपको तो पता ही है, पाइप्स एंड सिस्टम्स कुछ नहीं है, ओनली हम टाइम एंड वर्क का बेसिक लगाकर ही सॉल्व कर रहे हैं ना। मतलब टाइम एंड वर्क के सिमिलर ही टॉपिक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस मतलब ये है पाइप्स एंड सिस्टम्स और टाइम एंड वर्क में, कि क्या होता है कि पाइप्स एंड सिस्टम में अपोजिट वर्क भी होता है ना। क्या क्या रहेगा कि इनलेट पाइप, यदि हमारा कोई सिस्टम है उस सिस्टम में भी टू इनलेट पाइप्स है ना और एक है आउटलेट पाइप, तो क्या इनलेट पाइप जो भी मतलब वाटर अंदर क्या करेंगे, एंटर कराएंगे है ना, एंटर कराएंगे या फिर ऐड करेंगे, तो वो क्या पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव वर्क होगा। और लेकिन जब वो क्या बोलते हैं, एक जो आउटलेट पाइप जो कि वाटर को रिमूव करेगा, तो वो हो गया, वो अपना कौन सा वर्क हो गया, वो हमारा नेगेटिव वर्क हो गया है ना। तो है ना, तो आई होप गाइस कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ज़्यादा टाइम ना करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको एक एक क्वेश्चन में कल करवाया था है ना, कल एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था पाइप्स एंड सिस्टम्स का, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था है ना। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं इसी क्वेश्चन में ये जो 10 मिनट है ना, सिर्फ मैं टाइमिंग बस चेंज करूंगा, ये 10 मिनट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, 6 मिनट में है ना। 10 मिनट को मैं 6 मिनट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ मैं 6 मिनट को 10 मिनट कर दूंगा है ना। जब मैं ये मतलब इस टाइप से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा, तो ये क्वेश्चन बन गया अपना न्यू क्वेश्चन है ना। ये मैं मॉडिफाई कर दिया, अब देखो इधर देखो, यहाँ पर ये मॉडिफाई वाला क्वेश्चन ये है, ये मैं मॉडिफाई कर दिया, क्वेश्चन वही है लेकिन मैं मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को है ना। तो आई होप गाइस के समझ में आ रहा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व है ना। आपको पता है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन वो कल ही वाला सेम है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम को वर्स कर दिया है ना। तो देखो अब क्या होता क्या है ना, सॉल्व करते क्वेश्चन को हम है ना। तो क्वेश्चन पहले मैं रीड कर देता हूँ और आपको कुछ टाइम भी दे देता हूँ है ना। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। आ वाटर टैंक इज 2/5 फुल, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट्स। इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल दी टैंक कंप्लीटली है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट है ना। 1 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ है ना, आपका टाइम हो गया स्टार्ट, बढ़िया बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करो है ना। 1 मिनट है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम गिवन जो है, मैंने 1 मिनट दिया हूँ, बढ़िया बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो है ना। पढ़ो 2 बार 3 बार, और फिर ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन तो सॉल्व कराया हूँ ना, वो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया ना उसी के सिमिलर आपको करना है। और फिर क्या सिंपल सा इसमें फंडा रहेगा, जो इफिशियंसी हम जब ऐड करेंगे लास्ट में, पॉजिटिव इफिशियंसी आई, इट मीन दैट की क्या करेगा वो, पॉजिटिव एफिशिएंसी आई इट मीन दैट कि वो जो अपना जो भी क्या बोलते हैं टैंक है, टैंक को फिल करेगा। और यदि नेगेटिव एफिशिएंसी आई इट मीन दैट कि वो टैंक को एम्प्टी करेगा। सिंपल सा इनलेट आउटलेट वाला कंसेप्ट है, बढ़िया आप इसको है ना अटेम्प्ट करो, बढ़िया है ना। 1 मिनट आपके पास, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं है, वो वाला जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हूँ। क्या मॉडिफाई कर दिया हूँ, यहाँ पर जो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट ना, तो 6 मिनट की जगह मैं 10 मिनट कर दिया। पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट, तो 10 मिनट की जगह उसको मैं 6 मिनट कर दिया ना। टाइम को बस इंटरचेंज किया हूँ है ना, ये 6 मिनट को 10 मिनट कर दिया, 10 मिनट को 6 मिनट कर दिया। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप है ना। अब टाइम हो गया, चलो अब हम इस क्वेश्चन को, आप अभी समझने में फोकस करो है ना, अभी समझने में फोकस करो आप इस क्वेश्चन को। ए कर देते हैं हम है ना, अब स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है कि अब क्वेश्चन में आ वाटर टैंक इज 2/5 फुल है ना, वाटर टैंक ऑलरेडी 2/5 फुल है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट्स। इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा जो वाटर टैंक है ना, जो भी वाटर टैंक है वो 2/5 फुल है ना, 2/5 फुल है।
पाइप कैन फिल अ टैंक, मतलब जो पाइप ए है उस टैंक को 6 मिनट में फिल करता है, और पाइप बी उसी टैंक को और 10 मिनट से एम्प्टी करता है ना, खाली करता है। इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन, और दोनों पाइप ओपन हो गए है ना, इसमें से एक इनलेट पाइप, इनलेट पाइप कौन सा, पाइप ए है इनलेट पाइप, और पाइप बी है आउटलेट पाइप है ना, और दोनों पाइप को ओपन कर दिए, बोथ दी पाइप्स आर ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू एम्प्टी और फिल द टैंक। तो इनको पता नहीं कि टैंक एम्प्टी होगा या फुल होगा, तो क्या दोनों क्या होगा कि वो जो एक अपना टैंक है, टैंक में से इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों अपन ओपन कर दिए ना, तो इनलेट पाइप से पानी इसमें भरा भी रहा टैंक में, और आउटलेट से पाइप में मतलब जो है आउटलेट पाइप के थ्रू जो अपना टैंक है, टैंक से पानी खाली भी हो रहा है ना, दोनों चीज साथ में हो रहा, पाइप भरा मतलब अपनी टंकी में पानी भरा भी रहा और अपनी टंकी से पानी खाली भी हो रहा, दोनों वर्क साथ में हो रहा है ना। तो चलो अब ज्यादा टाइम ना करते, इसको स्टार्ट करते हैं ना। आई होप गाइस कि देखो थोड़ा सा क्या है कि ए पाइप ए कैन फिल अ टैंक। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, अपन क्या काम करते थे, टाइम एंड वर्क का बेसिक लगा रहे, तो यहाँ पे वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, वर्क गिवन नहीं है इन दिस क्वेश्चन में है ना, वर्क गिवन नहीं है। तो यहाँ पे वर्क क्या है, यहाँ पर के जो टैंक है, टैंक की कैपेसिटी है ना, तो हम क्या काम करेंगे, हम एलसीएम मेथड के थ्रू करेंगे है ना, पूरा अपन टाइम एंड वर्क का ही यूज करेंगे है ना, लेट और यहाँ पे हम वर्क वर्ड का यूज ना करके टैंक कैपेसिटी है ना, टैंक कैपेसिटी ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ कि कैपेसिटी क्या होती है ना, कैपेसिटी क्या होती है, टैंक कैपेसिटी में वर्ड यहाँ यूज किया हूँ, लेट टैंक कैपेसिटी इक्वल टू एलसीएम मेथड का यूज करेंगे है ना, क्या होगी, हम क्या काम करते थे, जो हमको टाइम गिवन रहता था, जैसे ये गिवन है 6 मिनट, 10 मिनट है ना, ये सब क्वेश्चन में ही गिवन है जो टाइम है ना, तो अब हम इसका निकालेंगे क्या, 6 मिनट 10 मिनट का हम निकालेंगे एलसीएम है ना, तो वो मतलब अब निकालते हैं 6 और 10 का एलसीएम, ये मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ क्या है ना, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे निकालता हूँ 6 और 10 का एलसीएम है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, पेन चेंज कर लेता हूँ ना, रेड, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 10 है ना, इनका हम निकालते हैं एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 5 इज एज इट इज, 1 इज एज इट इज, 5 बन जा 5। अब देखो हमारा जो एलसीएम आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया अपना, हाउ मच, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 है ना, तो हमारा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 30 लीटर्स है ना, तो उस टैंक में हम 30 लीटर वाटर ही भरेंगे, उससे हम ज्यादा वाटर उसमें भर नहीं सकते, बिकॉज वो उसकी कैपेसिटी ही वो है ना, क्योंकि देखो अब जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, बिसलेरी की बॉटल आती है वाटर की है ना, वाटर की जो कि उसमें कैपेसिटी होती है 1 लीटर है ना, शायद 10 या 15 रुपीज में मिलती होगी मार्केट में, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है 1 लीटर, तो इट मीन्स दैट कि 1 लीटर से ज्यादा पानी इसमें आता ही नहीं है ना, क्योंकि वो कैपेसिटी उसकी 1 लीटर है ना, तो अब देखो अब इसमें करते देखो क्या है, तो वो क्या निकला था अपना, अपना निकला था 30 लीटर्स है ना, कैपेसिटी जो निकली थी हम अपनी वो निकली थी 30 लीटर्स, तो ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है 30 लीटर्स है ना। आई होप गाइस की समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, हम लोग टैंक की कैपेसिटी को एक्स लीटर्स भी मान सकते थे, तब भी हम एक्स लीटर मानकर भी यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, हम 30 लीटर्स मान ले, 10 लीटर्स मान ले, 6 लीटर्स मान ले, या फिर एक्स लीटर्स मान ले, कोई चेंज नहीं आएगा है ना, सॉल्यूशन का जो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा है ना, तो आप चाहो तो एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने इजी कैलकुलेशन के लिए हमने एलसीएम मेथड यहाँ यूज किया है ना, तो 30 लीटर्स है ना, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है हमको, जो है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट्स, तो पाइप ये है ए, एफ मीन्स फिल कर रहा टैंक है ना, तो कितना टाइम ले रहा वो, 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। इसके बाद हम जैसे हम क्या काम करते थे, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते थे, तो जैसे ही हमको वर्क अपन मान लेते थे, तो उसके बाद हम पे निकालते थे इफिशियंसी निकालते थे ना, तो इसमें भी हम इफिशियंसी निकालेंगे, बिकॉज वर्क अपनों को ये बना 30 लीटर्स वाटर है ना, टैंक की कैपेसिटी, और ये जो टाइम गिवन है 6 मिनट्स, तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यस हम डेफिशियंसी डेफिनेटली इफिशियंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, तो यह 30 लीटर्स कैपेसिटी है ना, और अपने को टाइम गिवन है 6 मिनट, ये 6 मिनट अपने को टाइम गिवन है, तो क्या हो गया, 5 लीटर
पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट क्या हुए, ये हो गई क्या बोलते हैं, ये इफिशियंसी हो गई है ना, जो एक ही इफिशियंसी। अब निकालते सेम, अब क्या कर रहा है, बी पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट्स, तो पाइप बी है, तो यहाँ मैंने एफ एफ नहीं लगा, यहाँ लगा ई लगा है, क्योंकि एम्प्टी है ना, क्योंकि खाली कर रहा है ना, और यहाँ पे मैं प्लस प्लस है ना, प्लस साइन में क्यों यूज किया, क्योंकि ये उस टैंक को फुल कर रहा है ना फिल कर रहा है। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे कितना टाइम गिवन है क्वेश्चन में, 10 मिनट्स, ये हो गया अपना 10 मिनट्स, ये हो गया 10 मिनट्स। अब देखो, अब अपने को यहाँ पर भी सेम है, यहाँ में टाइम गिवन है और क्या बोलते हैं, जो टैंक की कैपेसिटी गिवन, तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं बी की इफिशियंसी, क्योंकि इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। टोटल हमको क्या 30 लीटर्स वाटर भरना है, ये अपन को बात है ना उस टैंक में, और 10 मिनट्स हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है ना, तो क्या हो गया 3 लीटर्स पर मिनट। लेकिन यहाँ क्या हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जो टैंक से वाटर को रिमूव कर रहा है ना, एम्प्टी कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना। तो अब देखो अपने अपन ने क्वेश्चन कहाँ तक के सॉल्व कर लिए, अब तो का पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट्स है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन। अब देखो, अब क्या काम करेंगे, अब हम दोनों को ऐड करेंगे ना, ए प्लस वीई है ना इक्वल टू, देखो जो इफिशियंसी, देखो 5 लीटर और -3 लीटर इक्वल टू आ गया +2 लीटर पर मिनट है ना। ये आपको समझ में आया मैं माइनस साइन क्यों यूज किया, माइनस साइन का मीनिंग होता है कि एम्प्टी कर रहा है ना, और प्लस साइन का मीन्स होता है कि फिल कर रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो 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 भी एम्प्टी करते हैं हम माइनस साइन का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ आया प्लस साइन आया है ना, प्लस साइन आया इट मीन दैट कि ये क्या करेगा, ये फिल करेगा है ना, टैंक को फिल करेगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये जो टैंक बनाकर आपको इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ है ना, ये टैंक है ना, ये हमारा टैंक है, ये टैंक है। देखो क्या है कि इसके अंदर कोई भी चीज जा रही है, मतलब इसमें ऐड हो रही है ना प्लस साइन, इसके बाहर कोई चीज जा रही है मतलब इससे रिमूव हो रही है मीन्स माइनस साइन है ना। आया समझ में आपको, देखो क्या है कि जैसे कि अब देखो अब हो गया ना, चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ तक तो आपको एक्सप्लेन करी, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ इस क्वेश्चन को ना। आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा है ना। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, अब ये टैंक बनाता हूँ ना, टैंक ये टैंक है, ये हमारा टैंक है, ये हमारा टोटल टैंक है, तो इसकी जो कैपेसिटी कैपेसिटी की कितनी गिवन है कि 30 लीटर्स है ना, 30 लीटर्स जो है वाटर इस टोटल टैंक में जाएगा ना, इसकी कैपेसिटी टोटल 30 लीटर्स है ना। आई होप गाइस की समझ में आ रहा होगा, इसकी टोटल कैपेसिटी 30 लीटर्स है ना, लेकिन क्या है ये जो 2/5 फिल है, ये है क्या 2/5 फिल है, मतलब हम 30 का निकालेंगे 2/5, तो कितना आ गया 12 लीटर है ना, 12 लीटर आ गया ना, ये 12 लीटर आ गया। तो क्या है ये जो है, ये जो वाटर फिल है वो यहाँ से यहाँ तक के जो इतना वाटर जो फिल है वो 12 लीटर है ना, क्योंकि 2/5 फिल है ना। अब क्या काम करेंगे हम, अपने पास टोटल कितना था 30 लीटर था, -12 लीटर ऑलरेडी फिल है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है 18 लीटर है ना, तो ये जो रिमेनिंग है वो 18 लीटर है ना, ये जो रिमेनिंग हमको जो वर्क करना है वो 18 लीटर है, हमको 18 लीटर और क्या करना है फिल करना है। तो टाइम इक्वल टू होता है क्या वर्क, वर्क यहाँ पर क्या काम करना है हमको, रिमेनिंग वर्क हमारा 18 लीटर हमको फिल करना है, और हमारी जो इफिशियंसी है 2 लीटर्स पर मिनट है ना, तो हमारा क्या आंसर आ गया 9 मिनट्स है ना। 9 मिनट्स में ये पूरी टंकी को क्या कर देगा, फिल कर देगा है ना,
9 मिनट से हमारे हमारे पूरे टैंक को फिल कर देगा। आई होप गाइस के समझ में आया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कंपेयर कर आता हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर वो 6 मिनट में एमपीटी कर रहा था, है ना, जबकि हमने ये चेंज कर दिए तो वो क्या काम करने लगा, टाइम चेंज कर दिए तो इंटरचेंज कर दिया तो उसको फिल करने लगा 9 मिनट में, है ना। समझ में आया, आई होप गाइस, इसको दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप, है ना, और इस क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा सा इंटरचेंज किया हूँ टाइम को, और आई होप गाइस की समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि आ वाटर टैंक इज 2/5 फिल 2/5 फुल, और सबसे पहले क्या है कि देखो इसमें वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, और जब इस क्वेश्चन में वर्क गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड के थ्रू जो भी टाइम गिवन होता है 6 और 10, हम इसका निकाले एलसीएम, ये आ गया हमारा एलसीएम, तो क्या आ गया, हम एलसीएम निकाले तो हमारा 30 लीटर हमारे टैंक की कैपेसिटी आ गई कि पूरे टैंक में 30 लीटर वाटर जाएगा ना, कैपेसिटी निकल कर आ गई। फिर उसके बाद जैसा हम करते हैं टाइम एंड वर्क में, वैसे में हमने सबकी इफिशियंसी निकाल ली है ना, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है मतलब फिल कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब एमपीटी कर रहा है ना, ये तो मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया। हमने फिर हमने दोनों को ऐड किए, दोनों को इसलिए ऐड किए क्योंकि इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप एक एक साथ ओपन है ना, ये कंडीशन बन रही कि एक फिल भी कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एक फिल कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एमपीटी कर रहा है। तो जो फिल कर रहे हैं, क्योंकि जो एमपीटी करेगा तो यही वाटर से एमपीटी करेगा ना, जो इधर से आ रहा है ना इसके अंदर वही तो बाहर निकल रहे हैं, तो ये 5 -3, तो ये क्या है कि 3 लीटर पर मिनट से ये क्या कर रहा है, इसको एमपीटी कर रहा है और 5 लीटर पर मिनट से इसको फिल कर रहा है ना, तो 5 -3 2 लीटर पर मिनट है ना, तो इसमें जो बचेगा पानी 2 लीटर पर मिनट पानी यहाँ पे बचेगा, है ना। तो आई होप गाइस की समझ में आया होगा ना, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी। तो देखो क्या है कि इसमें देखो ऑलरेडी 2/5 तो इतना था, ये 2/5 तो ऑलरेडी पहले से फुल था, ये जैसे कि वाटर टैंक है 2/5 फुल, तो 30 का निकाले हमने 2/5, 30 का 2/5 हो गया 12, है ना, 12 हो गया, तो 12 जो है 12 लीटर वाटर इसमें ऑलरेडी था, है ना, ऑलरेडी था। तो क्या काम किया हमने, रिमेनिंग वर्क हमको क्या करना रहेगा, रिमेनिंग वर्क हमको क्या करना रहेगा, टोटल इसकी कैपेसिटी 30 लीटर, तो 30 लीटर - 12 लीटर जो ऑलरेडी वर्क हो गया, तो 18 लीटर्स जो है, 18 लीटर्स जो है, तो इसमें क्या है अपना रिमेनिंग वर्क, क्योंकि 18 लीटर्स हमको फिल करना है ना, इस जो टैंक को हमको 18 लीटर्स फिल करना है, तो रिमेनिंग वर्क टाइम को, तो ये 18 क्या बोलते हैं, 18 लीटर्स जो रिमेनिंग वर्क मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और उसके बाद क्या है, ये है 2 लीटर पर मिनट इसकी इफिशियंसी है, तो हमारा जो टाइम आ गया 9 मिनट, है ना, 9 मिनट, 9 मिनट में ये जो 18 लीटर को पूरा मतलब टैंक फिल कर देगा, 18 लीटर वाटर फिल कर देगा 9 मिनट में। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना, तो ज्यादा टाइम में करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया है ना तो बिल्कुल आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, है ना, इवनिंग में अपन रख ले, यदि नहीं आया समझ में कोई डाउट है तो इवनिंग में बढ़िया अपन जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक इंटरेक्टिव डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, है ना, उसके थ्रू आप बढ़िया पूछ सकते हो मेरे से, सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो ना, और यदि आप भी यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं बन रहा है तो अपने ग्रुप में पोस्ट करो बढ़िया, है ना, उसको भी हम जो इवनिंग में डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा उसमें ले लेंगे बढ़िया, है ना। तो बढ़िया, आई होप गाइस की बस इसका इस क्वेश्चन के इतने डिस्कशन करता हूँ मैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू एन इनलेट अ टैंक टेक्स 8 आवर्स टू गेट फिल्ड अप, ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू गेट इट फिल्ड कंप्लीटली, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल दी लीक टेक टू एम्प्टी इट, है ना। तो गाइस मैं आज जैसा कि मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया हूँ और एक बार आपको इसको रीड भी कर दिया हूँ, तो देखो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 1 मिनट, है ना, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आपको 1 मिनट मिले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, है ना। अब देखो क्या है, सिंपली अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपसे भी क्वेश्चन नहीं बना है तो आप देखिए और समझिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, है ना।
क्या मिस्टेक कर रहे थे उसको देखिए और समझिए आप, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले तो देखो कि थ्रू एन इनलेट अ टैंक टेक्स 8 आवर्स टू फिल्ड अप, है ना। तो मैं ये ऐप ऐप का मीन्स वो हो रहा है फिल्ड, है ना, फिल्ड अप कर रहा है कितने में, 8 आवर्स टाइम ले रहा है ना, 8 आवर्स टाइम ले रहा है। ये मैं क्वेश्चन से लिखा हूँ जो, है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना। आगे क्या, ड्यू टू अ लीकेज इन दी बॉटम इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू गेट इट फिल्ड। देखो जब हमारा टैंक बिल्कुल नॉर्मल था, है ना, जिसमें कि कोई लीकेज नहीं था, तब हमको उसको फुल करने के लिए 8 आवर्स लग रहा था टाइम, है ना। लेकिन अब हमारे टैंक में क्या आ गया, एक तो देखो ये फुल प्लस लीकेज, है ना, तो ये हमारे टैंक में लीकेज भी आ गया, तो हमको कितने लगेंगे, 2 आवर्स मोर लग रहे हैं ना। तो पहले 8 आवर्स लग रहे थे, अब 2 आवर्स मोर लगेंगे, मीन्स 10 आवर्स लगेगा, है ना। अब हमको टाइम लगेगा 10 आवर्स पूरे जो हमारा है इसको फिल्ड करने के लिए, है ना, हमारे जो टैंक को फिल्ड करने के लिए। आई होप गाइस कि समझ में आ रहा था, आ रहा होगा आपको। देखो थ्रू एन इनलेट अ टैंक टेक्स 8 आवर्स टू गेट फिल्ड अप, है ना। जब इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब ये मतलब जो टैंक था हमारा बहुत सही था, इसमें कोई लीकेज नहीं था, तो हमको 8 आवर्स लग रहे थे, लेकिन ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 2 आवर्स मोर। 2 आवर्स मोर मीन्स पहले 8 आवर्स लग रहे थे, उसमें से हमने 2 आवर्स को ऐड किया, है ना, तो हमारे हो गए 10 आवर्स, है ना। आई होप गाइस की समझ में आ रहा होगा, 2 आवर्स मोर लग रहा है, इट मीन्स डेट की पहले 8 आवर्स लग रहे थे, तो अब लगेंगे 10 आवर्स, है ना, और लीकेज जब हो गया अपने उसमें, है ना। तो ये जो और हमको क्या बोला है उसके आगे, इफ दी टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एमपीटी। तो हमारा जो लीकेज है वो कितना टाइम लेगा पूरे हमारे टैंक को एमपीटी करने के लिए, है ना, पूरे टैंक को खाली करने के लिए। तो अब देखो सबसे पहले हमने ये पूरा इंटायर क्वेश्चन को रीड किया, लेकिन इस पूरे इंटायर क्वेश्चन में कहीं भी हमको क्या गिवन नहीं है, वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना, वर्क और टैंक की कैपेसिटी। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड से क्या निकालेंगे, वर्क, जैसा कि हम करते हुए आते हैं टाइम एंड वर्क में। और मैं आपको बताया हूँ ना कि इसमें हम पूरा टाइम एंड वर्क का बेसिक यूज करेंगे, है ना, कोई इसमें नया कुछ नहीं, है ना, पूरा टाइम एंड वर्क से ही हमारा ये पाइस एंड सिस्टम सॉल्व होगा, है ना। तो हमारे पास टाइम का, एक तो 8 आवर्स और एक 10 आवर्स, तो ये होगा 8 और 10 आवर्स, तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम, है ना, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो गाइस यहाँ निकाल देता हूँ 8 का और 10 का एलसीएम, आपको निकाल के यहाँ दिखा देता हूँ। ये हो गया अपना कितना, पेन रेड ला, है ना, ये हो गया हमारा 8 8 10, इन दोनों का निकालते हैं अब हम एलसीएम। एलसीएम निकालते तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 is as it is, 2 1 जा 2, 5 is as it is, 1 is as it is, 5 1 जा 5। अब देखो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 into 2 into 2 into 5, है ना, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 5 40 liters, है ना, 40 liters आ गया हमारा, मतलब टैंक की कैपेसिटी, है ना, ये आ गया 40 लीटर्स, हमारी आ गई टैंक की कैपेसिटी, है ना। तो अब गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो है 40 लीटर्स, है ना, ये है टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर्स, है ना, ये है टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर्स। इसको मैं अपन एज्यूम किए हैं ना, क्या किया है इसको हम एज्यूम किए, चाहे तो हम आप इसको एक्स मानकर भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको एक्स मानकर भी कर सकते हो टैंक कैपेसिटी, लेकिन होगा क्या, यदि आप टैंक की कैपेसिटी एक्स मानोगे ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम एलसीएम मेथड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इजी कैलकुलेशन, है ना। अब यहाँ हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं इसकी, यस डेफिनेटली हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं इसकी। इसकी इफिशियंसी क्या होगी, इसकी इफिशियंसी होगी वर्क अपने पास क्या, टोटल 40 लीटर्स और टैंक की कैपेसिटी है ना 40 लीटर्स, अपॉन टाइम कितना ले रहा है, तो 8 आवर्स, है ना, 8 आवर्स टाइम ले रहा है, तो 5 लीटर पर आवर, है ना, तो ये निकल गई क्या इफिशियंसी, 5 लीटर पर आवर। अब देखो अब थोड़ा सा आगे चलो, अब इफिशियंसी निकालते हैं हम किसकी, ये दोनों की, है ना, लीकेज सहित, जब जब हमारे टैंक में लीकेज आ गया तो तब निकालते हैं हम इफिशियंसी। तो वर्क तो उतना ही करना है अपन को, है
क्योंकि कैपेसिटी जो अपने टैंक की है वो तो सेम ही रहेगी ना, लीकेज आ जाए चाहे कुछ हो जाए, कोई साइज में छोटा थोड़ी हो जाएगा टैंक, है ना। और टाइम कितना लेगा, 10 आवर्स। मोर टाइम इसलिए लेगा क्योंकि लीकेज से भी तो कुछ पानी बहता रहेगा ना, बाहर जाता रहेगा, है ना। तो क्या हो गया, ये 4 लीटर पर आवर्स, है ना। तो ये आ गई हमारी इफिशियंसी, जब हमारे टैंक में लीकेज आ गया था तो उसकी जो इफिशियंसी आ गई 4 लीटर पर आवर्स। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो अब क्या काम करते हैं हम लोग, अब सिंपली क्या काम करते हैं, ये जो है ये है ना, जब और ये है जब लीकेज आ गया था, है ना। अब हमको निकालना है कि लीकेज जो है, लीकेज की इफिशियंसी निकालना है हमको, लीकेज की इफिशियंसी निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, F+L -F, है ना, इक्वल टू। अब देखो, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F+L की वैल्यू क्या है, 4, है ना। -F की वैल्यू क्या है, 5 लीटर पर आवर। तो यहाँ आ गया -1, -1 लीटर पर आवर। तो ये -1 लीटर पर आवर का मीनिंग क्या, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइन क्या क्या इंडिकेट करता है कि ये टंकी क्या हो रही, एम्पटी हो रही है ना, एम्पटी एमपीटी हो रही है ना, एमपीटी। तो ये एमपीटी हो रही है, खाली हो रही है, वाटर रिमूव हो रहा है 1 लीटर पर आवर से, है ना। लीकेज का, लीकेज ये वर्क कर रहा है, लीकेज की इफिशियंसी ये है कि 1 लीटर पर आवर से ये हमारी टैंक में क्या बोल रहे हैं, वाटर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। आई होप गाइस यू नो दिस फॉर्मूला, क्योंकि टाइम एंड वर्क हम पूरे बेसिक से यूज कर रहे हैं, बेसिक से यूज करके हम पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैं बोला भी था आपको कि आप देखना सारे क्वेश्चन देखना पाइप्स एंड सिस्टम्स के, हम ओनली टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को ही यूज करके सॉल्व करेंगे, जिसमें कोई कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। तो हमारा क्या था, वर्क था हमारा 40 लीटर से जो थी टैंक की कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी थी टैंक की, कैपेसिटी 40 लीटर थी, और इफिशियंसी जो आई थी हमारी ये 1 लीटर पर आवर, है ना, 1 लीटर पर आवर इफिशियंसी आई हमारी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 40, या लगेगा 40 आवर्स, 40 आवर्स टाइम लगेगा, मतलब जो लीकेज है उसको 40 आवर्स टाइम लगेगा पूरा फुल टैंक को एम्पिटी करने के लिए, है ना। तो ये इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल दिस लीक टेक टू एम्पिटी। तो जो लीकेज है वो 40 आवर्स लेगा भैया पूरे टैंक को एम्पिटी करने के लिए, 40 आवर्स टाइम लगेगा उसको, है ना। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करें या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। चलो तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो क्या, नॉर्मली जो टाइम एंड वर्क का हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, यहाँ पे वर्क गिवन नहीं था इन क्वेश्चन में, तो हमने क्या काम किया, हमने ऐसे मेथड के थ्रू ये वर्क को मान लिया 40 लीटर। उसके बाद फिर हमने ये क्या इफिशियंसी, ये जो निकाल ली इफिशियंसी, उसके बाद फिर क्या कि 2 2 आवर्स मोर लग रहे थे, तो जो 10 है, तो मतलब जो 8 आवर्स है, तो उसमें से 2 आवर्स और 2 आवर्स को और ऐड कर दिए, तो 10 आवर्स लगेंगे, है ना। पहले क्या, मतलब जब लीकेज नहीं था हमारे टैंक में तो 8 आवर्स में पूरा टैंक फुल हो जाता था, है ना। लेकिन जब हमारे टैंक में लीकेज आ गया तो क्या हो गया, 2 आवर्स मोर ले रहा वो और टैंक को फिल करने में, है ना। तो क्या होगा कि तो 10 आवर्स लगेंगे, ये आपको समझ में आ गया, इसकी भी हमने एफिशिएंसी निकाली। उसके बाद फिर क्या, दोनों का मिल गया, तो दो इक्वेशन हमने सॉल्व किया, है ना। तो हमको क्या, लीकेज की एफिशिएंसी निकल गई, क्या बोलते हैं, 1 लीटर पर आवर। जो माइनस साइन वो इंडिकेट कर रहा है कि एमपीटी कर रहा है, और यदि प्लस साइन होता तो वो इंडिकेट करता है कि इसको फिल कर रहा है ना। तो ये कर रहा है कि ये एमपीटी कर रहा है, तो 1 लीटर पर आवर्स की, तो हाँ टोटल कैपेसिटी थी 40 लीटर। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, हमने टाइम का बेसिक फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ गया हमारा 40 आवर्स, है ना, आंसर आ गया हमारा। तो गाइस बस इतना ही, बस हम अब देखो कोई भी डाउट हो तो आप तो टेलीग्राम में मैसेज कर ही देना, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फुल इन 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, ए बी एंड सी डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशंस पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो यहाँ पर क्या रिस्पेक्टिवली दिया, इट मीन दैट कि ए ए अलोन क्या, पहले तो क्या टैंक पूरा एम्पिटी दे रहा है ना, एम्पिटी टैंक को पूरा फुल कर दे रहे हैं
कर दे रहा है ये 30 मिनट्स में, है ना। और बी जो है वो एमपीटी टैंक को पूरा फुल कर दे रहा है 20 मिनट्स में, और सी जो है वो एमपीटी टैंक को फुल कर दे रहा है पूरा 10 मिनट्स में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टेटमेंट का इतना मीनिंग हो गया। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। व्हेन द टैंक इज एमपीटी ऑल द 3 5s आर ओपन्ड, ए बी एंड सी डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशंस पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्या है कि जो मतलब पूरा टैंक जो एमपीटी हो गया, तो जो तीनों थे हमारे, तीनों जो थे क्या बोलते हैं, तीनों पाइप थे, तो तीनों पाइप को ओपन कर दिया गया है ना। जब तीनों पाइप ऑल द 3 5s आर ओपन, तीनों को ओपन कर दिया गया है, तो ए जो है, ए कोई पी कोई सॉल्यूशन होगा उसको डिस्चार्ज कर रहा था, बी मतलब ए से क्या निकल रहा था पाइप, ए से पी सॉल्यूशन निकल रहा था, पाइप बी से क्यू सॉल्यूशन निकल रहा था, पाइप सी से आर सॉल्यूशन निकल रहा था ना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है। आई होप गाइस कि आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखो कि अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब पी क्यू आर जो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकता है टी, है ना, पी साइड टी हो सकता है, क्यू हो सकता है कि कॉफी, आर हो सकता है वाटर, इस टाइप से कुछ सॉल्यूशन निकल रहे होंगे, या तो फिर कोई भी, ये केमिकल सॉल्यूशन बोल रहा है यार, केमिकल सॉल्यूशन और कुछ होगा शायद, है ना, कुछ और सॉल्यूशन तो वो निकल रहा है। कि हमसे हमको उससे कोई मतलब नहीं कि ये पाइप से क्या चीज निकल रहा है, क्या सॉल्यूशन निकल रहा है ना। तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। तो क्या बोलते हैं, जब वो तीनों पाइप्स ओपन रहेंगे तो उसके 3 मिनट्स के बाद हमको क्या काम करना है, हमको प्रोपोर्शन निकालना है ना, बिटवीन दैट की क्या काम करना है हमको, आर वाई लिक्विड, है ना, आर वाई लिक्विड निकालना अपन को, है ना, आर वाई लिक्विड हमको निकालना है ना। आई होप गाइस कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं पूरे, है ना, 1 मिनट, है ना, ये पूरे 1 मिनट मिलते हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, है ना, आपका टाइम स्टार्ट हो गया अब। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, है ना। देखो हमने क्या किया, हमने पूरे इंटायर क्वेश्चन को रीड किया केयरफुली, है ना, हमने पूरे इंटायर क्वेश्चन को रीड किया केयरफुली, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टैंक की कैपेसिटी, है ना, टैंक की कैपेसिटी मतलब हमको कितना वर्क करना पड़ेगा टोटल इस टैंक को फिल करने के लिए, हमको कितना वाटर लगेगा, है ना, तो वो टैंक की कैपेसिटी मतलब जो भी लिक्विड लगेगा, जो भी लगेगा, तो इसकी कैपेसिटी हमको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है ना। मैंने पूरा इंटायर क्वेश्चन रीड किया पूरे केयरफुली। तो देखो तो हम क्या काम करेंगे, तो जैसे वर्क गिवन नहीं होता था हमारे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में, तो हम एलसीएम मेथड के थ्रू क्या करते थे, लेट वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम वर्क नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ टैंक कैपेसिटी, है ना, टैंक कैपेसिटी ये लिख रहे हैं हम, टैंक कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम। टाइम क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है क्वेश्चन में अपन को रिस्पेक्टिवली 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, है ना, ये हमको गिवन है टाइम, है ना। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम, है ना, अब एलसीएम निकालेंगे तो ये सेपरेट एक मैं ले लेता हूँ, है ना, बढ़िया, यहाँ पर एक सेपरेट पेन ले लेता हूँ, वहाँ पर निकाल देता हूँ एलसीएम, इसमें इसको गंदा नहीं करता हूँ, है ना। तो क्या हो गया, ये था 30, है ना, और क्या था, 20 था और 10 था, है ना, इसका निकालना था क्या हमको एलसीएम, है ना। अब निकाल देता हूँ एलसीएम, 215 जा 30, 210 जा 20, 25 जा 10, है ना, और 15 इज एज इट इज, 25 जा 10, 5 इज एज इट इज, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, 3 3 5 जा 15, है ना, 5
फाइव और ऑफ फाइव इज एज इट इज, अगेन फाइव इज एज इट इज, फाइव बन जा फाइव, फाइव बन जा फाइव, फाइव बन जा फाइव। तो अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, है ना। देखो कुछ भी हमने छोड़ा था, लीव तो नहीं किया, टू टू थ्री थ्री फाइव, है ना, कुछ लीव नहीं किया हमने, हमने सारा सब कुछ कर दिया। टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, 12 × 5 = 60। तो हमारी जो टैंक की कैपेसिटी आ गई 60 लीटर्स, है ना, 60 लीटर्स आ गई हमारी टैंक की कैपेसिटी। तो अब देखो ये वर्क इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया, वर्क इक्वल टू 60 लीटर्स, है ना, 60 लीटर्स वर्क नहीं क्या, टैंक कैपेसिटी, है ना, 60 लीटर्स। क्या जो टाइम एंड वर्क का जितना भी सारा बेसिक है, जितना भी सब कुछ है, हम उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम पाइप्स एंड सिस्टम्स के। कोई न्यू कंसेप्ट, कोई न्यू फॉर्मूला कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वही मिलेगा, एमपीटी फिल, एमपीटी फिल, है ना, वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो अब क्या, आई होप गाइस कितना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एज्यूम, है ना, आप इसको इसको एक्स एज्यूम करके भी यदि सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, है ना, एक्स करके भी। और मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ कि हमने ये एज्यूम किया, है ना। अब देखो क्या है कि ये थ्री पाइप्स, तो ए जो है, ए पाइप है, ए पाइप, पाइप ए जो है वो 60 लीटर्स वाटर, मतलब पूरा जो डिस्चार्ज करेगा जो भी लिक्विड हो 60 लीटर, वो 30 मिनट्स में पूरा, जब अपना टैंक पूरा एमपीटी हो जाएगा तो 30 मिनट्स में वो क्या काम कर देगा, ए 30 मिनट्स में पूरा अपने को टैंक को कर देगा फुल, है ना, 30 मिनट्स में, है ना। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्या कर देगा फुल। तो यहाँ पर एफ लगा देता हूँ ना, फुल। और हमारा बी है, बी भी जो फिल करेगा वो कितने टाइम में करेगा, कितना टाइम गिवन यहाँ, 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट्स में बी फिल कर देगा। और यहाँ पर सी, सी जो फिल करेगा कितना टाइम, हाउ मच टाइम, सी फिल करेगा 10 मिनट्स में, है ना। और ये गाइस में सब ये देखो, ये क्वेश्चन में यही यही का यही है, यहाँ तक के स्टेटमेंट है हमें लिख दिया। अब देखो अपने को यहाँ वर्क गिवन है ना, अब देखो यहाँ हम तीनों तरफ में कंडीशन बता रहा हूँ आपको, वर्क गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम क्या इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यस हम एक ही इफिशियंसी निकाल लेते हैं। एक ही इफिशियंसी हो गई वर्क बाय टाइम, वर्क है 60 लीटर्स, है ना, और फिर 30 मिनट्स हमारे पास टाइम है, तो इफिशियंसी निकल गई हमारी 10 लीटर पर मिनट, है ना, 10 लीटर पर मिनट हमारी इफिशियंसी निकल गई, है ना, 10 लीटर पर मिनट नहीं निकली भैया, हमारी इफिशियंसी निकली है, देखो ये थोड़ा सा ये, है ना, 2 लीटर, 2 लीटर पर मिनट, है ना, 2 लीटर पर मिनट इसकी इफिशियंसी निकली। देखो क्या है, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया ना, 3 2 जा 6, है ना, समझ में आया ना गाइस आपको, है ना। अब ये अब देखो बी की इफिशियंसी निकालेंगे हम, तो ये हमारा टोटल 60 लीटर क्या है हमारा, है ना, जो है टैंक की कैपेसिटी, और हमको टाइम लग रहा है उसको फिल करने के लिए 20 मिनट, है ना। तो ये इसकी कैपेसिटी हो गई, इसकी जो हो गई क्या बोलती इफिशियंसी, 3 लीटर पर मिनट, है ना। अब देखो अब यहाँ इफिशियंसी ऑफ सी, देखो वर्क तो सेम ही रहेगा हमारा, क्या होगा 60 लीटर हमारा टैंक की कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी, लेकिन वो लेगा 10 मिनट, है ना। तो अब ये होगा हमारा 60 लीटर पर मिनट, है ना। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। तो और देखो सब ये सारे हैं क्या कर रहे हैं, फिल ही कर रहे हैं ना, टैंक को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इसलिए ये मैंने पॉजिटिव यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा दिया, मतलब फिल कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव, और एमपीटी कर रहे हैं मतलब नेगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव साइन मतलब फिल ही कर रहे हैं ना। तो अब देखो अब मैं टोटल टोटल सार की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, है ना। तो कितनी हो गई, 600, देखो 2 और 3 5, 5 और 3 11, है ना, 11 लीटर पर मिनट, है ना। तीनों मिलकर यदि देखो क्या होगा कि बहनरी टैंक इज एम्प्टी, ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन, जैसे कि तो आपने तीनों पाइप्स ओपन होंगे ना, तो क्या होगा, तो 11 लीटर पर मिनट जो भी सॉल्यूशन डिस्चार्ज करेंगे वो 11 लीटर पर मिनट, है ना। और वो सॉल्यूशन मैं लिख भी देता हूँ कि कौन कौन सा सॉल्यूशन वो लोग डिस्चार्ज करेंगे, है ना, डिस्चार्ज कौन कौन सा सॉल्यूशन करेंगे। तो इधर देखो ये करेगा पी सॉल्यूशन डिस्चार्ज, ए करेगा क्यू सॉल्यूशन डिस्चार्ज,
और ये करेगा आर सॉल्यूशन डिस्चार्ज, है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लिखा रिस्पेक्टिवली जो क्वेश्चन में लिखा मैं वही किया हूँ, कुछ भी अपने तरफ से मैंने किया हूँ। तो ये 3 मिनट्स के बाद बोल रहे हैं ना, तो आफ्टर 3 मिनट्स तो ये क्या है कि 1 मिनट में यदि ये तीनों मिलकर यदि 1 मिनट में 11 लीटर, है ना, 1 मिनट में यदि इनकी इफिशियंसी क्या है 11 लीटर, यदि ये 1 मिनट में 11 लीटर केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो भी केमिकल है डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये 3 मिनट में कितना करेंगे, 3 मिनट में करेंगे क्या बोलते हैं, आफ्टर 3 मिनट, है ना, 3 मिनट में ये 33 लीटर, है ना, 33 लीटर्स केमिकल डिस्चार्ज करेंगे। आई होप गाइस की समझ में आया होगा, है ना। तो क्या है, ये तीनों लोगों का ग्रुप है और तीनों लोग क्या बोलते हैं कि 1 मिनट में 11 लीटर, है ना, 1 मिनट में 11 लीटर केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं ना। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आफ्टर 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में ये क्या 33 लीटर केमिकल डिस्चार्ज करेंगे, है ना। देखो क्या है यहाँ पर, क्या है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है अपना जो डिस्चार्ज कर रहे हैं ये लोग 3 मिनट में, वो है 33, है ना। तो अब देखो, अब क्या पूछा था हमारा, हमको हमको पूछा था क्वेश्चन में कि आर वाई लिक्विड, है ना, यही तो पूछा था प्रोपोर्शन, यही तो अपन को फाइंड आउट करना था, है ना। मैं स्टार्टिंग में बताया था अपने को, ये देखो वो क्या क्या बोल रहा है कि व्हाट इज दी प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। तो क्या है देखो, इसका क्या हो गया, अब देखो ये 3 मिनट में, देखो ये तो 1 मिनट का है जो आर है, आर जो सॉल्यूशन है ये 1 मिनट का। अब देखो अपन को 3 मिनट में कितना करेंगे, ये 3 मिनट में 18 लीटर, है ना, 18 लीटर्स, ये 3 मिनट का है ना, 3 मिनट का है, 3 मिनट्स में 18 लीटर, है ना, 3 मिनट्स में 18 लीटर, है ना। तो ये देखो आर, ये है अपना 18 लीटर हो गया, है ना, जो 3 मिनट के बाद का ही है ना, और ये 33 लीटर से ये हो गया, है ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, 6/11, ये हमारा आंसर आ गया, वो जो प्रोपोर्शन पूछा था, जो रेशियो पूछा था, उसका आंसर आ गया 6/11। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना ये क्वेश्चन, नहीं एक बार बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने इस एंटायर क्वेश्चन को हमने क्या किया, रीड किया है ना बहुत ही केयरफुली, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में टैंकी कैपेसिटी या वर्क जो भी आप मान लो वो गिवन नहीं थी, है ना। तो हमने क्या काम किया, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में करते हैं हम, और तो क्या काम किया हमने टाइम एंड वर्क में, जैसे हम क्या करते हैं, नहीं गिवन रहता था, हम क्या काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं जो भी टाइम गिवन रहता है उसका निकाल लेते हैं एलसीएम, और उसको मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो मतलब टैंकी कैपेसिटी होगी या तो फिर क्या होगा वो वर्क होगा, है ना। तो गिवन नहीं रहता तो हम यही करते हैं, या तो हम एक्स मानकर भी सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है ना। तो हमने ये मान लिया 60 लीटर से हमने एज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया हमने, सेपरेट ए बी और सी तीनों की हमने इफिशियंसी निकाल ली, है ना। तो जैसे कि ये हमारी इफिशियंसी निकल गई, और फिर उसमें क्या लिखा, ये लिखा था ए बी एंड सी डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशन पी क्यू आर, तो वो लिख दिए कि ये पी सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर गया, ये क्यू सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर गया, ये आर सॉल्यूशन डिस्चार्ज करेगा ना। तो व्हाट इज, तो इसके बाद क्या बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। तो आप जो 3 मिनट्स होने के बाद जो आर है, तो आर देखो आर 3 मिनट में कितना सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर देगा, आर 3 मिनट में देखो 1 मिनट में जो आर है वो 6 लीटर सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रहा है, तो 3 मिनट में 18 लीटर सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर देगा आर, है ना। तो ये 18 लीटर अपन ने लिख दिया, है ना, आफ्टर 3 मिनट ही तो पूछा उसने कि उसका जो प्रोपोजल पूछ रहा है, जो रेशियो पूछ रहा है, आफ्टर 3 मिनट ही पूछ रहा है आर वाई लिक्विड का, और जो टोटल लिक्विड अपना क्या है मतलब 3 मिनट के बाद ये देखो 11 लीटर, मतलब ये तीनों मिलकर 11 लीटर अपना क्या काम कर रहे हैं, जो लिक्विड है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 3 मिनट्स, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में यदि 11 लीटर केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 मिनट में 33 लीटर लीटर की केमिकल डिस्चार्ज करेंगे ना। तो हमने इसका ये देखिए, ये रेशियो हमने लिख दिया 6/11, ये इसका है आंसर। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ टैंक कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, है ना। तो
ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 1 मिनट, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, है ना। अब आप स्टार्ट कर दीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। फिर 1 मिनट के बाद मैं कराता हूँ सॉल्यूशन, है ना। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। देखो अब समझेंगे सब लोग, है ना। अब समझने में फोकस करेंगे, है ना। देखो अब हम उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। जो और देखो जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको वही करना है, पढ़ना है, समझना है, वही वही करते जाना है। और टाइम एंड वर्क का बेसिक लगाते जाना। आ टेप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। तो कोई टेप है, क्या है, ए है, जो फिल कर रहा है, मीन्स फिल कर रहा है, फिल कर रहा है टैंक को 6 आवर्स में, है ना। 6 आवर्स में सिंपल ये जो स्टेटमेंट लिखा था उसी स्टेटमेंट को यहाँ लिख दिया। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, देखो क्या हो गया, हाफ टैंक फिल्ड हो गया, है ना। क्या है यहाँ पर, फिल हो गया, कितना हो गया, फिल हो गया हाफ टैंक, है ना। ये हो गया हाफ टैंक फिल हो गया, है ना। ये हाफ टैंक फिल हो गया। तो देखो अब मैं बता रहा आपको, देखो 6 आवर्स में यदि टैंक पूरा फुल फुल फिल हो जा रहा है, ये यहाँ लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि फिल फुल टैंक। अब देखो यदि ये जो टैंक है, यदि वो 6 आवर्स में पूरा फुल फिल हो जा रहा है, तो वो हाफ कितने आवर्स में फिल होगा, हाफ होगा वो 3 आवर्स में, है ना। सिंपल सा है, आपको समझ में आया ये कैसे मैंने लिखा कि आ टैप कैन फिल आ टैंक इन 6 आवर्स। कोई एक टैप है, टैप में नाल है, जो भी कुछ है, आ टैप, टैप मतलब कोई नाल है ना। आ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, वो मतलब पूरा फुल कंप्लीटली फिल कर देगा। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, तो मतलब कि क्या हो गया, ये टैंक, ये जो है फिल हाफ टैंक हुआ, है ना। हाफ तो हाफ कितने में होगा, 3 आवर्स में होगा, क्योंकि फुल यदि 6 आवर्स में हो रहा तो हाफ 3 आवर्स में होगा ना। थ्री मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, तो क्या हुआ कि इसी के जैसे बिल्कुल सेम, तो मतलब 3 टैप्स और ओपन हो गए, है ना। क्या होगा, एक तो ये तो ऑलरेडी अपना टैब ओपन था ही, है ना। अब 3 आवर्स के बाद क्या हुआ कि क्या बोल रहे हो, कि थ्री सिमिलर टैप्स, कितने टैप्स बोल रहा है वो, कि थ्री मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, तो ये हो गया थ्री, उसके जैसे सेम ये टैप्स हो गए ओपन। तो अब अपने पास कितने हो गए, 4 टैप्स हो गए अपने पास, है ना। 4 टैप्स हो गए अपने पास, क्योंकि उसी के जैसे तीन और ओपन हो गए, तो अपने पास 4 टैप्स हो गए, तो वो फिल करेंगे टैंक को, है ना। फिल हाफ टैंक, क्योंकि हाफ तो ऑलरेडी फिल है, तो अब ये हाफ ही करेंगे फिल, है ना, ये हाफ फिल करेंगे। तो क्या ये टोटल टाइम अपने पास कितना है, 3 आवर्स। यदि अकेला करता ना इस टैंक को फिल, है ना, तो वो लेता कितना, 3 आवर्स लेता। लेकिन अब यहाँ क्या हो गए, मैन मोर मैन हो गए, है ना। तो मोर मैन हो गए तो हमको क्या लगेगा, टाइम लगेगा हमको लेस, है ना। मोर मैन होगा तो हमको टाइम लगेगा लेस। तो ये 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो है जैसे कि देखो 3 × 60 डिवाइड बाय 4, इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। समझ में आया होगा आपको, है ना। तो ये कितना आ गया हमारा, इतना हमारा आ गया 45 मिनट्स, है ना। ये आ गया हमारा 45 मिनट्स आंसर आ गया।
तो क्या होगा, देखो आपको समझ में आया कैसे 45 मिनट्स आंसर आया हमारा, समझ में आया आपको? तो टोटल हमको जो टाइम लगेगा हमको 3 आवर्स 45 मिनट्स, है ना? 3 आवर्स 45 मिनट्स हमको टोटल टाइम लगेगा पूरा फिल होने में, है ना? यही आंसर हमारा, टोटल जो टैंक है टैंक पूरा फिल होने में। एक तो देखो 3 आवर्स में हाफ हो गया था, उसके बाद फिर 45 मिनट में कितना हो गया, 45 मिनट में ये हो गया हमारा हाफ। 45 मिनट में हाफ क्यों हुआ, क्योंकि आपको मैं सिंपल सा यहाँ बता देता हूँ लॉजिक। मोर मैन या फिर मोर टैप या मोर मशीन या मोर पीपल, है ना, ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर क्या लेंगे, लेस टाइम लेंगे, है ना? लेस टाइम लगेगा। आई होप गाइस कि जो मैं लिखा हूँ आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, है ना? जो लिखा मैंने कि मोर पीपल लेस टाइम, है ना? तो सिंपल सी बात है यार, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 लोग मिलकर यदि उस बार को कर रहे हैं ना, तो क्या वो कम में, और मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। अच्छा ये वाला ना, आपको जो 45 मिनट्स किया वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और लगता होगा, तो जो चैन रूल होता है ना, चैन रूल से भी अपन उसको कर सकते हैं। M1 T1 इक्वल टू M2 T2, है ना? तो यहाँ पर क्या है, M1 अपना वन है ना, वन मिशन इंटू थ्री, है ना, इंटू थ्री मतलब 3 आवर्स इक्वल टू ये हो गया अपने 4 टैप थे ना, 4 टैप इंटू T2। मतलब जैसे यहाँ क्या हुआ, ये क्या, ये अपना 1 टैप, 1 टैप जो 3 आवर्स ले रहा है, 1 टैप 3 आवर्स ले रहा है ना, हाफ हाफ वर्क करने के लिए। तो जो अपने अब 4 टैप्स हो गए, तो 4 टैप्स कितना टाइम लेंगे, वो मैं चैन रूल से कर रहा हूँ ना। तो T2 जैसे ही हम मतलब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना, 3/4। तो क्या है कि सबसे पहले तो इसको ना अपन को काय में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यार सारी क्वांटिटी ना सेम होनी चाहिए, है ना? तो इसको मैंने यहाँ पे अभी तो नहीं किया था, लेकिन मैंने कर लिया ये मिनट में कन्वर्ट, है ना, ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। और जब हमने इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा 45 मिनट, है ना, 45 मिनट आ गया ये। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना, ये 45 मिनट आ गया, है ना? तो क्या है, देखो 3 आवर्स में तो अपना जो टैंक है वो हाफ हो ही गया था, लेकिन 45 मिनट्स में जब मोर पीपल होगा तो लेस टाइम लगा, तो 3 आवर्स 45 मिनट में हमारा टैंक पूरा फिल हो गया, है ना? तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं टाइम एंड वर्क में मैंडे के कंसेप्ट से ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिया था, है ना, टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था। लेकिन जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या मैं पढ़ाया था आपको, पाइप सेंट सिस्टम का जो कंसेप्ट पढ़ाया था ना, उसी लेक्चर में मैं आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन, कि आपको इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो मैं आपको होमवर्क दिया था, वही होमवर्क का मैं आज इस लेक्चर में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, 40 मैन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 48 डेज, 64 मैन स्टार्टेड फॉर दी सेम वर्क फॉर एक्स डेज, आफ्टर एक्स डेज 32 मैन इंक्रीज, सो दी रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड इन 16, राइट, 2/3 डेज, फाइंड एक्स, है ना? तो आई होप गाइस कि मैं आपको पूरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं रीड करके बता दिया हूँ, है ना? तो अब ये करते हैं हम सॉल्यूशन स्टार्ट। तो आई होप गाइस कि आपने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा, तो कुछ स्टूडेंट से बना होगा, कुछ स्टूडेंट से नहीं बना होगा। तो जिससे नहीं बना होगा तो वो तो समझेंगे ही, और जिस स्टूडेंट से बन गया तो वो भी समझेंगे, है ना, वो भी देखेंगे शायद कुछ डिफरेंट मिल जाए, है ना। क्या होता है कि जब 2 पर्सन का आते तो 2 पर्सन दोनों, जो पर्सन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। तो बढ़िया, आप समझिए इस क्वेश्चन को, है ना, जो मैं होमवर्क दिया था, और उसको मैच कीजिए कि आपने क्या मिस्टेक की, यदि गलत किया हो तो क्या गलतियाँ की, है ना? तो बढ़िया, उसको फिर सुधारो, है ना? और फिर यदि कोई डाउट उसमें भी रह जाता है तो फिर जूम मीटिंग ऐप के थ्रू अपन एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे, है ना? तो उस सेशन के लिए आप बढ़िया मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, है ना? तो अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए बढ़िया हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन, है ना? तो हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारा जो वर्क है, तो क्या काम करते हैं, लेट वर्क इक्वल टू
देखो मैं यहाँ ये क्यों कर रहा हूँ बार के इक्वल टू, क्योंकि जो पूरा इंटायर क्वेश्चन को मैंने रीड किया, आपने भी रीड किया, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी बर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना। बर्क एक ऐसा एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है जो कि इस क्वेश्चन में मिस है। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड के थ्रू, है ना, जो टाइम होता है हम उस टाइम का एलसीएम लेकर हम क्या काम करते हैं, वर्क को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है ओनली 48 डेज है, तो आई थिंक दैट कि मुझे लगता है कि इसका एलसीएम क्या ही लूंगा, क्योंकि 48 का दिन एलसीएम भी लूंगा तो वो भी 48 ही आएगा। इसलिए वर्क इक्वल टू क्या कर देंगे हम, वर्क इक्वल टू हम कर लेते हैं टाइप 48 पेजेस, है ना। वर्क इक्वल टू टाइप 48 पेजेस, है ना, ये हो गया हमारा वर्क। ये हमने एज्यूम किए। आप चाहो तो ये जो है ना इसको इसको एक्स भी मान सकते हो, है ना, तब भी आपका जो है सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आएगा। आप लेट वर्क इक्वल टू एक्स भी मानोगे तो। लेकिन हम एलसीएम मेथड का यूज यहाँ इसलिए करते हैं, लेट वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ वो टाइम इसलिए करते हैं बिकॉज फॉर इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अदरवाइज आप तो एक्स मानकर भी सॉल्व करोगे तो भी आपका जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आंसर है, आंसर बिल्कुल गलत नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा ना। एक्स मान सकते हो, 48 मान सकते हो, 64 मान सकते हो, कुछ भी मान के सॉल्व करो, है ना। तो अब आई होप गाइस कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही होगी, क्योंकि यदि आप टाइम एंड वर्क मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग से लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना। 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। तो क्या है, सिंपली ये है हमारे 40 मैन जो कि कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को 48 डेज में, है ना। समझ में आए, ये कुछ नहीं किया मैं, जो क्वेश्चन में गिवन था वही मैं यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है ना। यहाँ जो भी कुछ मतलब क्वेश्चन में गिवन था उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया हूँ ओनली, बाकी कुछ नहीं किया हूँ, है ना। अब देखो, अब मैं एक सिंपल सी चीज आपको समझाता हूँ। जो चैन रूल में ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, वर्क इक्वल टू होता है मैन इन टू डे, आई होप गाइस कि आपको याद होगा, है ना। तो थोड़ा सा यदि वो चैन रूल आप खैर देख लेना, और आपने नहीं भी देखा और नहीं भी देखोगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पर। देखो, यदि वन मैन यदि वन डे में यदि 10 पेजेस को टाइप करता है, वन मैन यदि वन डे में 10 पेजेस को टाइप करता है, तो वही मैन 5 डेज में कितने पेजेस को टाइप करेगा, 50 पेजेस को। तो समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ 10 × 5 तो टोटल वर्क क्या होगा, 50 पेजेस। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा वर्क इक्वल टू मैन इन टू डे, है ना। तो अपन और उसको जो है जो चैन रूल में कुछ ऐसा भी लिखते हैं ना, W इक्वल टू एम टी ई, है ना, ये भी ना, वर्क इक्वल टू मैन इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी, ये भी लिखते हैं ना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ज्यादा टाइम में करती हूँ, ये जो वर्क है ना, ये जो वर्क है इसमें मैं पुट करता हूँ क्या, ये मैन इंटू डे, है ना, ये वर्क, ये यहाँ पर, चलो यहाँ आपको कर देता हूँ, ये पुट करता हूँ, ये अपने कितने 40 मैन इंटू 48 डेज, है ना, 40 मैन इंटू 48 डेज, ये मैं जो वर्क है, वर्क में ये पुट कर दिया हूँ इक्वल टू 48। आप ऐसा भी समझ सकते हो 48 पेजेस कि ये जो ये समझ लो कि इक्वेशन इसमें मैं पुट किया हूँ, सिंपल ही किया हूँ, कुछ आपको इसमें कुछ तो लग नहीं रहा। तो ये है हमारा क्या 48 मैन, इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 48 पेजेस डिवाइड बाय 48 डेज, है ना, तो ये हो गया हमारा 1 पेजेस पर डे। जो 48 मिलकर 48 मैन जब इस वर्क को मिलकर करेंगे तो 1 पेजेस पर डे करेंगे, है ना। तो अब देखो सिंपल सा निकाल लेते हैं हम, 1 मैन, तो 1 मैन की इफिशियंसी क्या रहेगी, 1 मैन की इफिशियंसी रहेगी 1/40 पेजेस पर डे, है ना। 1 मैन की, यही से मैं सॉल्व किया हूँ, 1 मैन की इफिशियंसी रहेगी 1/40 पेजेस पर डे। अब देखो, अब करते हैं, ये है हमारा, ये है हमारा टोटल कंप्लीट वर्क, है ना, ये हमारा टोटल वर्क कितना है, टाइपिंग 48 पेजेस, है ना, 48 पेजेस को टाइप करना है, ये हमारा टोटल वर्क है ना, ये वर्क है हमारा यहां से यहां तक, ये वर्क है हमारा ना, टाइप
टाइपिंग 48 पेजेस हमारा टोटल वर्क है। आपके क्वेश्चन में क्या बोला था, 64 मैन स्टार्टेड फॉर द सेम वर्क फॉर एक्स डेज। तो ये हमारे क्या 64 मैन जिन्होंने एक्स डेज के लिए स्टार्ट किया है ना वर्क को, ये एक्स डेज के लिए एक्स डेज तक स्टार्ट किया ना, स्टार्टेड द वर्क फॉर एक्स डेज, आफ्टर एक्स डेज 32 मैन इंक्रीज। तो ये जो हमारे हमारे क्या थे 64 मैन थे, ये थे हमारे 64 मैन थे और 32 मैन हमने इसमें इंक्रीज कर लिए, तो कितना आ गया 96 मैन। तो ये आ गए हमारे 96 मैन है ना, ये आ गए हमारे 96 मैन, और वो 96 मैन द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 राइट 2 बाई 3 डेज। तो जो 96 मैन है 16 राइट 2 बाई 3 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा, तो जो मिक्स फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर है ना। तो क्या 16 × 3 क्या होगा 48, 48 + 2, 48 + 2 हो गया यहाँ पर 50 / 3 है ना, तो हो गया ये 50/3 डेज है ना। तो ये हो गया हमारा 50/3 डेज, जो मिक्स फ्रैक्शन थी उसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कितना टाइम लेगा 50/3 डेज है ना, ये इतना टाइम लेगा है ना। तो ये इतना हो गया, अब क्या काम करते हैं, अब देखो अब सिंपली यहाँ पर हम चैन रूल का जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ हम निकालेंगे डब्लू है ना वर्क निकालेंगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ मैन कितने हैं 96 मैन है ना, चैन रूल का फॉर्मूला, इंटू कितना 50/3 डेज है ना, 50/3 डेज है ना टाइम, और इफिशियंसी कितनी है 1/40 पेजेस पर डे है ना। तो ये जो ये फॉर्मूला को यूज किया, मैं इसको यहाँ कर भी देता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला का यूज किया मैंने चैन रूल का है ना। तो सिंपली वो अपने टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कितना आ गया हमारा वर्क आ गया है, ये हम इसको जब मैं सॉल्व किया अपन ने तो आ गया 40 पेजेस है ना। तो ये जो है 96 मैन ने 40 पेजेस को ऑलरेडी कर दिया टाइप है ना। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे निकालते देखो, टोटल 48 पेजेस हमको करना था टाइप, जिसमें से 40 पेजेस 96 मैन ने कर दिया वर्क हमारा कंप्लीट, तो हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया 8 पेजेस टाइप है ना, टाइपिंग हमको 8 पेजेस बस करना होगा। तो 8 पेजेस जो टाइपिंग करना है, तो ये रिमेनिंग वर्क ये करेंगे 64 मैन है ना, 8 पेजेस को टाइप करेंगे जो कि एक्स डेज में टाइप करेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी लगाएंगे हम चैन रूल है ना। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर भी चैन रूल लगा रहा, तो 64 मैन कौन सा लगा रहा है, यही सेम जैसा यहाँ लगाया हमने, 64 मैन इंटू टाइम एक्स डेज इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी देखो सेम इफिशियंसी सबके लिए 1/40 है ना, 1/40, और वर्क 8 पेजेस। ये वर्क आपको समझ में आया, वर्क तो ये गिवन था, तो वर्क यहाँ पुट कर दिया हमने 64 मैन, ये 64 मैन पुट कर दिया एक्स डेज, ये एक्स डेज पुट कर दिए, और इफिशियंसी सबकी सेम है ना, तो 1/40 पेजेस पर डे है ना। तो क्या हुआ, अब देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे हम इसको, तो देखो अब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5 है ना, हमने इसको इजी मतलब सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा है ना। अब देखो क्या बोला था कि फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 5 आ गई, और यही है हमारा आंसर है ना, यही हमारा आंसर, यही हमको इसमें फाइंड आउट करना था। आप देखो ये जो बेसिक कंसेप्ट का यूज करके जो आपको होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है ना। तो जो मतलब एक्स 64 मैन है वो 5 डेज में 8 पेजेस को टाइप कर लेंगे है ना। तो आई होप गाइस कि अब इस क्वेश्चन का इतना ही डिस्कशन करता हूँ ना, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था पाइसेन सिस्टम का, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पाइसेन सिस्टम का, जो कि पाइसेन सिस्टम का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो उस लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिया था है ना। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारे जो होमवर्क दिया था वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना यहाँ पर आपके लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को है ना। 2 मैन और 5 वुमेन और 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 469 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 मैन 5 वुमेन एंड 2 बॉयज टू फिनिश द वर्क इज।
देखो यदि देखो आपने यदि मेरे टाइम एंड वर्क के लेक्चर्स देखा होगा, पूरे लेक्चर्स फॉलो किया होगा, तो आपको यहाँ पर एक चीज मतलब पता चल गई होगी कि हम मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि जिसमें कि इसी टाइप का क्वेश्चन था वो, है ना, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के बेस्ड सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था कि सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, है ना, और स्किल्ड वर्कर इस टाइप से दिया हुआ था, है ना, तो वो भी सेम था। तो आई होप गाइस कि आपको याद आया होगा, है ना, तो उसी टाइप का सेम था। तो चलो अब ज़्यादा टाइम ना करते हो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। और आप देखिए, देखो जिससे बना है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, और जिससे क्वेश्चन नहीं बना है तो वो देखना कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, है ना, क्या मिस्टेक कर रहे थे इसमें। और वो जो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वाला टाइम एंड वर्क है ना, उसको भी एक बार आप देख लेना, है ना। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या काम करते हैं, हमने पूरे इंटायर क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड किया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। जब वर्क गिवन नहीं रहता, हम क्या काम करते हैं, हम एलसीएम मेथड के थ्रू क्या जो टाइम रहता है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं और उसको मान लेते हैं वर्क। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्क जो है, वर्क इक्वल टू टाइप 469 पेजेस। यहाँ पे मैंने, आप एक चीज देखोगे, यहाँ मैंने एलसीएम इसलिए निकाला है क्योंकि 469 का मैं एलसीएम भी लेता तो भी वो सेम ही आता है ना। यदि यहाँ पे मतलब मोर डेज ऐसे गिवन रहते कि ए इतने डेज में कर रहा, बी इतने डेज में कर रहा, तो तब हम सारे का एलसीएम लेते हैं ना। तो आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। एलसीएम मेथड हम क्यों करते हैं, एलसीएम मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ इजी कैलकुलेशन, हम इजी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज क्या है, हम इसको यदि एक्स मान के भी करें, लेट वर्क इक्वल टू एक्स पेजेस टाइप, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। और यदि आप कोई अदर नंबर भी लोगे और तब भी सॉल्व करोगे तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो ज्यादा टाइम ना करते हुए अब हम करते हैं इसको सॉल्व, है ना। टू मैन और फाइव वुमेन और सेवन बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 469 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सेवन मैन फाइव वुमेन एंड टू बॉयज टू फिनिश द वर्क इज, है ना। तो क्या पूछ रहा है कि सेवन मैन फाइव वुमेन एंड टू बॉयज, तो ये जो मिलकर जो वर्क को फिनिश करेंगे तो ये कितना टाइम लेंगे, है ना। ये एक मतलब एक एक ग्रुप बना लिया है इन लोगों ने कि सेवन मैन है उस ग्रुप में, फाइव वुमेन है और टू बॉयज, ये इतने लोग मिलकर क्या ये ग्रुप बनाया है इन लोगों ने अपना, और ये लोग मिलकर एक वर्क को कर रहे हैं ना। तो वो वर्क को करेंगे, वर्क क्या कर रहा है 469 पेजेस को टाइप करने का, तो ये लोग कितना टाइम लेंगे वो टाइम अपन से पूछा है ना। तो सिंपली क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर जो टू मैन है, टू मैन कितना टाइम लेंगे, टू मैन यहाँ पर ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, 469 डेज ले रहे हैं इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना। 469 डेज ले रहे हैं टू मैन। तो अब देखो, अब यहाँ पे इफिशियंसी निकाल सकते हैं हम इन टू मैन की। यस, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, इफिशियंसी और ये टू मैन की निकाल रहे हैं हम वर्क बाय टाइम। तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्क, ये जो कोई 469 पेजेस हमारा होगा वर्क टाइपिंग, और क्या है कि और जो टाइम हमको गिवन है 469 डेज, है ना। तो अब हमारी इफिशियंसी निकल गई, ये जो टू मैन से उनकी 1 पेजेस पर डे, है ना। आई होप गाइस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इफिशियंसी निकल गई 1 पेजेस पर डे। अब देखो, अब ये तो निकल गई कि टू टू मैन की, है ना। अब देखो, अब यदि 1 मैन वर्क करेगा तो 1 मैन की इफिशियंसी क्या आएगी, इसी को यहां से मैं सिंपली करो तो 1 मैन की इफिशियंसी आ जाएगी 1/2 पेजेस पर डे, है ना। आई होप गाइस की समझ में आ रहा होगा। देखो 2 मैन की इफिशियंसी है 1 पेजेस पर डे, तो 1 मैन 1 मैन 1 डे में कितना वर्क करेगा, हाफ। जैसे 2 मैन मिलकर 1 डे में 1 पेज को टाइप कर रहे हैं ना, तो दोनों ने वर्क कैसे डिवाइड किया होगा, हाफ हाफ पेज तो टाइप कर रहे होंगे ना वो, है ना। और ये 1 मैन की इफिशियंसी होगी 1/2 पेजेस पर डे, है ना। तो आई होप गाइस ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब सेम करते हैं हम 5 मैन, है ना, ये है अपने 5 मैन। 5 मैन क्या काम कर रहे हैं, ये देखो एक क्वेश्चन में 5 मैन क्या बोलते हैं, नहीं 5 वुमेन है यार, नहीं मैन का तो मैं ऑलरेडी कर दिया सॉल्व, है ना। आगे थोड़ा सा ये है 5, ये देखो 5 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 469 डेज। तो 5 वुमेन क्या कर रही, 469 डेज में ये वर्क को कर रही कंप्लीट, है ना। तो इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ 5 वुमेन, 5 वुमेन की हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी क्या हो गई हमारी, हमारा जो हो गया इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो
वर्क यहाँ पर है टाइपिंग 469 पेजेस, और हमको जो क्या बोलते हैं, और हमको जो क्या क्या गिवन है, हमको ये गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये हमको डेज है ना, टाइम गिवन है 469 डेज। तो ये हमने सिंपली बेसिक फॉर्मूला पुट किया तो 1 पेजेस पर डे आ गया है ना। 1 पेजेस पर डे मतलब 5 वुमेन मिलकर कर रही है, मतलब कि 1 पेजेस पर डे टाइप कर रही है ना, 5 वुमेन मिलकर। तो 1 वुमेन 1 वुमेन वन डे में कितना वर्क करेगी, 1 वुमेन की इफिशियंसी क्या होगी, 1 वुमेन की इफिशियंसी हो जाएगी 1/5 पेजेस पर डे। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो अब की 7 बॉयज है ना, अब ये है हमारे क्या है, 7 बॉयज, ये हमारे 7 बॉयज, ये हमारे 7 बॉयज है ना। तो 7 बॉयज सेम सेम वर्क को क्या कर रहे हैं, 469 डेज में, है ना, 469 डेज में कर रहे हैं बॉयज। तो अब हम इनकी निकाल लेते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ कितनी की, 7 बॉयज, 7 बॉयज की इफिशियंसी हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 7 बॉयज की इफिशियंसी आएगी हमारी, देखो वर्क क्या है, वर्क देखो इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार से बताते चला आ रहा हूँ, है ना, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क यहाँ टाइपिंग 469 पेजेस, और हमको टाइम गिवन है 469 डेज, है ना। तो हमारी इफिशियंसी हो गई 7 वॉइस की, क्या इफिशियंसी हो गई, 1 पेजेस पर डे, 1 पेजेस पर डे इफिशियंसी हो गई। तो जो 1 बॉय है, 1 बॉय की इफिशियंसी कहाँ हुई, 1 बॉय की इफिशियंसी हो गई 1/7 पेजेस पर डे। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, सारा सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब इतना समझ में आ गया, अब देखो अब हम एक टीम बनाते हैं ना। अब आगे इसमें क्या बोला है कि, इसमें बोला है कि देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 मैन 5 वुमेन एंड 2 बॉयज टू फिनिश द वर्क। तो क्या है कि एक टीम है, यहाँ बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या बोल रहा है कि 7 मैन, ये हो गया 7 मैन प्लस क्या हो गया, 5 वुमेन प्लस 2 बॉयज, है ना, ये इस टाइप से। तो अब देखो अब हम इसको करते हैं, देखो 7 मैन है, जैसे वन जो 7 मैन है, तो क्या है 1 मैन की जो इफिशियंसी है, 1 मैन यदि 1 मैन 1 डे में यदि हाफ पेज टाइप करता है तो 7 मैन कितना का टाइप करेंगे इनटू 1/2, है ना। 1 मैन यदि 1 डे में हाफ पेज टाइप करता तो 7 मैन कितने पेज टाइप करेंगे, 1/2 × 7, है ना। अब देखो 5 वुमेन जो है, 5 वुमेन यदि अब देखो 5 वुमेन का निकालना अपन को, तो देखो 1 वुमेन क्या क्या टाइप कर रही है, 1/5 पेज, है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, 1/5 पेज, है ना, मतलब 1 वुमेन जो है 1 डे में 1/5 पेज टाइप कर रही, तो 5 वुमेन कितना टाइप करेगी। कुछ नहीं है, जो ग्रुप बनाता है मैं उसी ग्रुप में वैल्यूज पुट करते आ रहा हूँ, 1 बॉय की 1/7, है ना। तो अब मैं इसको हम सिंपल किए तो कितना आ गया, सिंपल किए तो हम इसको हम टोटल सिंपल किए तो आ गया 67/14 पेजेस पर डे, है ना, ये टोटल इफिशियंसी आ गई है ना, 67/14, है ना, पेजेस पर डे इफिशियंसी आ गई। कैसे आ गई, ये जो अपना ग्रुप है, ये ग्रुप 7 मैन 5 वुमेन 2 बॉयज है ना, ये जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप की हमारी इफिशियंसी आ गई 67/14 पेजेस पर डे, है ना। तो अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी, है ना। तो हम इस वो जो वर्क है, वर्क कितना टाइम लेगा वो पूछा, तो हमारा वर्क था 469 पेजेस को टाइप करना, है ना, और इफिशियंसी थी 67/14, है ना, पेजेस पर डे, ये हमारी थी इफिशियंसी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 98 डेज, है ना। तो ये हमारा है आंसर, है ना, ये जो मैं आपको दिया था क्वेश्चन होमवर्क, उसका आंसर ये है 98 डेज, है ना। आई होप गाइस के समझ में आपको आया होगा, है ना। तो नहीं भी देखो, नहीं भी आया तो फिर आपको तो प्रोसीजर पता है क्या करना है, और फिर देखो फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। देखो यहाँ सिंपली देखो हमने पूरा एंटायर क्वेश्चन को रीड किया, वर्क इसमें गो गिवन नहीं था, तो हमने क्या किया, हम एलसीएम मेथड के थ्रू वर्क को हमने एज्यूम कर लिया 469 डेज, और यदि यदि आप इसको एक्स एज्यूम करके भी यदि सॉल्व करते हो तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं 469 इसलिए एज्यूम किया बिकॉज ऑफ इजी कैलकुलेशन, है ना। तो ये आप समझ में आया, तो फिर ये देखो उसमें दिया था 2 मैन
इतने बार को किया था, उसके बाद हमने सिंपली इफिशियंसी निकाले, और फिर उसके बाद इफिशियंसी है टू मैन की निकली, तो हमने यहाँ उसको सिंपल करके वन मैन की इफिशियंसी निकाल दी। ये फिर वो सेम प्रोसीजर ऐसे से किया उसको, फिर उसने पूछा था देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 मैन 5 वुमेन एंड 2 बॉयज। तो ये ग्रुप है ना, तो ये हमने एक ग्रुप बना दिया ना 7 मैन 5 वुमेन एंड 2 बॉयज का, और हमने देखो हमको वन मैन की इफिशियंसी पता थी तो हमने उसको बढ़िया लिख दिया सेम सेम, है ना, लिखकर उसको कैलकुलेट किया तो इतना पेजेस पर डे आ गए। इस ग्रुप की इफिशियंसी हमने निकाल लिया 67/14 पेजेस पर डे, इस ग्रुप की हमको एफिशिएंसी निकल गई। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला था, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, है ना। तो वर्क हमको क्या है 469 पेजेस टोटल वर्क किया था, और क्या हमको एफिशिएंसी हमने ये निकाले थे ना, जब हमने इसको सिंपल किया तो हमारा आ गया 98 डेज, है ना। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप गाइस कि आपको ये जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, तो जो आपको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो भैया चलो अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दिया था, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था ना 5 सेंट सिस्टम्स का, तो उसमें मैं आपको मतलब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो वो क्वेश्चन में से आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन ये भी था, है ना, ये भी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, है ना, जो मैं आपको दिया था। तो आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो भी मैं आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो क्या है, तो अब सॉल्व करा रहा हूँ, तो अब बढ़िया स्टार्ट करते हैं। देखो 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 8 डेज, वाइल 3 मैन एंड 7 वुमेन कैन कम्प्लीट इट इन 10 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 10 वुमेन कम्प्लीट इट, है ना। तो यहाँ पर भी क्या, हमने पूरे इंटायर क्वेश्चन को रीड किया, बहुत ही केयरफुली रीड किया, मैंने रीड किया, आपने भी रीड किया होगा। तो आपने देखा कि वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, जब वर्क क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता तो हम क्या काम करते हैं, हम एलसीएम मेथड के थ्रू वर्क को मानते हैं। आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज ऑफ इजी कैलकुलेशन के लिए, है ना, फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए मैं वर्क को मानता हूँ, एलसीएम जो टाइम रहता है उसका। आप एक्स भी मानोगे तो भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या है अपने पास, तो हमारे पास क्या है, टाइम क्या क्या गिवन है, टाइम हमारे पास है 8 डेज और 10 डेज, ये देखो ये 8 डेज और ये 10 डेज टाइम अपने पास गिवन है ना। तो अब हम देखो आप क्या काम करता हूँ, 8 और 10 का निकालना है हमको एलसीएम, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ एलसीएम 8 और 10 का, है ना, यहाँ निकाल देता हूँ, ये हमारा हो गया 8, ये हो गया 10, इसका निकालना है अपन को एलसीएम, है ना। तो क्या हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 इज एज इट इज, 2 1 जा 2, 5 इज एज इट इज, 5 बन जा 5, है ना। तो अब देखो अब हमारा आ गया एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, है ना, 240 पेजेस, है ना, हमारा आ गया एलसीएम आ गया, और यही हमारा वर्क भी है ना। चलो अब यहाँ करते हैं, हमारा कितना निकल गया, वर्क इक्वल टू टाइप 40 पेजेस, ये हमारा वर्क निकल गया टाइप 40 पेजेस, है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब क्या बोला यहाँ कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन, 4 मैन प्लस 6 वुमेन कंप्लीट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो ये जो है एक ग्रुप है 4 मैन और 6 वुमेन का, वो इस वर्क को 8 डेज में कर रहे हैं कंप्लीट, है ना, कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर क्या है उसके बाद आगे क्या लिखा है कि व्हाइल 3 मैन एंड 7 वुमेन, 3 मैन प्लस 7 वुमेन, 3 मैन प्लस 7 वुमेन इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में। ये कुछ नहीं किया मैं, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को मैं लिखा हूँ, है ना। तो आई होप गाइस कि समझ में आ रहा होगा, एक तो ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया। तो क्या लिखा कि इन हाउ मैनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट, है ना, कि कितने डेज में 10 वुमेन इसको कंप्लीट करेगी। ये क्वेश्चन क्या है कि 10 वुमेन जो अपना वर्क है उसको कितने डेज में कंप्लीट करेगी, है ना, इन हाउ मैनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट, तो 10 वुमेन्स इसको कितने डेज में कंप्लीट करेगी। तो
तो देखो इसको आप क्या है जो नॉर्मली, अब देखो अब आप बोलोगे कि सर हमारी दो इक्वेशन बन गई, अब हम इक्वेशन को क्या हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करके इक्वेशन को कर लें, लेकिन भैया यहाँ पर देखो ये सारे टाइम है, हम कभी भी टाइम को और वर्क को है ना कभी भी हम क्या नहीं करते, टाइम को प्लस माइनस नहीं करते हम टाइम को कभी भी है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि क्यों नहीं करते, इसका मैं रीजन आपको बता दिया हूँ क्यों नहीं करते, ये रॉन्ग है ना, ये कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते है ना, ये रॉन्ग है, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट वो करने की बिल्कुल भूल मत करना है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा, टाइम को बिल्कुल नहीं करते, टाइम को कभी भी एडिशन और मल्टीप्लाई से नहीं करते, क्योंकि देखो इधर जैसे कि मोर मैन हो गए तो इधर भी क्या बोलते हैं मोर डेज हो जाते हैं ना, जो बेसिक लॉ है ये फेल कर कर जाता है, इसलिए हम इसको हम नहीं करते, तो क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं इफिशियंसी है ना, तो इस ग्रुप की हम निकालते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी निकालते हैं हम फोर मैन प्लस सिक्स वुमेन है ना, इस ग्रुप की निकालते हैं हम इफिशियंसी, तो इफिशियंसी निकालेंगे हम, तो इफिशियंसी क्या आएगी, तो हमारा वर्क है टाइपिंग 40 पेजेस है ना और 8 डेज टाइम है ना, तो 5 पेजेस पर डे, ये निकल गई हमारी इफिशियंसी, और हम इसकी भी निकालेंगे इफिशियंसी, इफिशियंसी हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम और जो क्या बोलते हैं वर्क गिवन है ना, तो क्या काम करेंगे, इफिशियंसी ऑफ 3 मैन प्लस 7 वुमेन है ना, आई होप गाइस के समझ में आपको आ रहा होगा, ये टोटल वर्क है टाइपिंग 40 पेजेस है ना, और क्या है 10 डेज है ना, जो टाइम गिवन है वो 10 डेज है, तो 4 पेजेस पर डे ये इफिशियंसी निकल गई है ना, तो ये जो ग्रुप की दोनों ग्रुप की अपन की इफिशियंसी निकल गई, अब हम क्या काम करते हैं, अब इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 है ना और इक्वेशन नंबर 2, रुक जाओ थोड़ा सा, एक काम करते हैं ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखो थोड़ा सा और मैं आपको कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट करने में ना आपको थोड़ा सा समझ में ना आए ऐसा भी हो सकता है, तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ है ना, अभी इनको इक्वेशन नाम नहीं देता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे है ना, इक्वेशन 1 2 9 9 देता हूँ मैं, इसको अलग से एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यार फिर आप बाद में देखो देखा पता चला कुछ का कुछ कर दिया है ना, तो ये क्या कर दिया, ये कर दिया मैंने 4 मैन प्लस 6 वुमेन, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाई देता हूँ ना, तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 5 पेजेस पर डे है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये जो इसको मैं यहाँ लिख दिया है ना, और अब ये 3 मैन प्लस 7 वुमेन, इनकी एफिशिएंसी क्या है 4 पेजेस पर डे है ना, इसको नाम दिया मैं इक्वेशन नंबर 2, अब देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर जो हमारी क्या है इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमको मिल गई, अब हमको इसको करना सॉल्व है ना, तो क्या काम करेंगे हम, इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है 1 में हम क्या काम करेंगे 3 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इक्वेशन नंबर 2 में किससे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो अब देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ है ना, एक काम करता हूँ एक मैं न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ, मैं न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ, न्यू पेज यार न्यू पेज कैसे आएगा, ये आ गया न्यू पेज है ना, तो क्या इक्वेशन क्या थी, तो हम जब करेंगे तो इक्वेशन 1 में हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, 12 मैन प्लस 18 वुमेन है ना इक्वल टू 15, ये हुई हमारी जो इक्वेशन वन थी उसको ही हमने कर लिया मॉडिफाई है ना, समझ लो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और फिर क्या फिर जब हमने इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 12 मैन प्लस ये हो गया 28 वुमेन, 4 से मल्टीप्लाई किए तो, और ये आ गया हमारा 16 है ना, अब देखो अब इसको करते हैं माइनस माइनस माइनस, तो माइनस किया तो क्या आ गया, ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया तो हमारा कितना आ गया -10 वुमेन इक्वल टू क्या आ गया -1, तो 10 वुमेन इक्वल टू 1 पेजेस पर डे है ना, 1 पेजेस पर डे, तो
अब देखो जो हमारी 10 वुमेन है, तो 10 वुमेन की अपन को निकल गई इफिशियंसी, तो एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, है ना। ऑलरेडी हम इसी से सॉल्व करते आ रहा है। तो हमारा टोटल वर्क था कितना, टाइपिंग 40 पेजेस, है ना, टाइपिंग 40 पेजेस, और इफिशियंसी 10 वुमेन की है, 1 पेजेस पर डे, है ना। तो हमारा टोटल क्या आ गया, हमारा 40 डेज, है ना। तो यही हमारा आंसर है ना। तो हमारा आंसर आ गया गाइस, है ना, हमारा आंसर क्या आ गया, 40 डेज। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, है ना। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जो टाइम है, टाइम को ये नहीं करना है ना, ये क्या है, ये है रॉन्ग, रॉन्ग होता है ना, ये करना, ये जो आप करते हो ना, ये होता है रॉन्ग, ये कभी भी नहीं करना। इफिशियंसी निकालना, हमेशा इफिशियंसी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी कुछ करना है। तो आई होप गाइस कि आपको आपके क्वेश्चन समझ में आया गया होगा, है ना। और तो थैंक यू सो मच, है ना। तो ओके देन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हेयर, थैंक यू।